27 वर्षीय डॉक्टर दर्पण अहलूवालिया जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं और पंजाब की रहने वाली हैं। गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर दर्पण 73rd बैच ऑफ द इंडियन पुलिस सर्विसेज की टॉप पर हैं। बता दूं, डॉक्टर दर्पण ने अपना यूपीएससी का टेस्ट सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। डॉक्टर दर्पण का जिंदगी में एक ही मकसद और वो है लोगों की सेवा करना, स्पेशली वुमेन्स। डॉक्टर दर्पण ने एक एनजीओ की भी शुरुआत की है जो महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अवेयरनेस क्रिएट करती है। डॉक्टर दर्पण ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला से 2017 में कंप्लीट की है। डॉक्टर दर्पण ने एनजीओ पिंक लिंक कैंपेन के थ्रू कई ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करवा चुकी हैं। डॉक्टर दर्पण का कहना है कि इस डॉक्टर से आईपीएस इज नॉट अ चेंज ऑफ पाथ और करियर, बल्कि इस नए किरदार के साथ वह और लोगों को अप्रोच कर सकेंगी, स्पेशली वुमेन्स। डॉक्टर दर्पण के इंस्पिरेशन उनके ग्रैंडफादर नरेंद्र सिंह जी हैं जो कि पंजाब पुलिस से बतौर अटॉर्निटी एंड चीफ लॉ इंस्ट्रक्टर रिटायर्ड हुए हैं। वे शुरू से ही अपने ग्रैंडफादर द्वारा पुलिस के बारे में सुनते आई हैं और पुलिस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पर, यही कारण है कि उन्होंने पुलिस ऑफिसर बनने का डिसीजन लिया था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।